फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो बताओ मैं आज अपन क्या बनाने वाले हैं। आज बनाने वाली हूँ मैं मटन बोटी, लेकिन चाइनीज स्टाइल में। तो आज हम ये बनाने वाले हैं मटन की रेसिपी। मटन बोटी एकदम सूखी रहेगी ना, ड्राई तो नहीं रहेगी। तो सूखी सूखी मटन की बोटी होगी और वो भी होगी चाइनीज स्टाइल में। शेजवान चटनी वगैरह कुछ डाल चाइनीज पूरे मसाले जाएगा। बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि मटन की डिश चाइनीज स्टाइल खाने में बहुत ही मजा है। तो चलो फिर नजर मारते हैं इंग्रेडिएंट्स पे। क्या जब मटन बोटी चाइनीज स्टाइल में बनाने के लिए क्या क्या लेंगे? चलो तो सबसे पहले लेंगे हम मटन, दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी प्याज, कोथमीर, पपीते का पेस्ट, प्याज, हरी मिर्ची, फूड कलर, गरम मसाले की बुक्की, रेड चिल्ली सॉस, सोया सॉस, सेजवान चटनी, विनेगर, चिल्ली फ्लेक्स, काला नमक। यहाँ लेंगे हम हल्दी की बुक्की, मिर्ची की बुक्की, धनिया की बुक्की और कश्मीरी लाल मिर्ची की बुक्की। तो चलो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। तो सबसे पहले मैं मटन को मसाला लगा लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मटन ली हूँ बोनलेस। अगर एक आधी हड्डी की पीस भी आ गई तो भी चलेगा। अगर आपको हड्डी वाले में बनाना है तो आप हड्डी वाले में भी बना सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने आधा किलो ली हूँ बोनलेस, इसमें एक आधा हड्डी पीस आ गया है, ठीक है ना। अब हम इसमें मसाले डालेंगे हमारे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहला ली हूँ 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन। इसी के साथ मैं डालूंगी यहाँ पे 1 चम्मच भर के पपीते का पेस्ट। ये हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि हमारा जो मटन गलने का काम करेगा ये अच्छे से, ठीक है। अब हम डालेंगे इसमें 1/2 बाटी दही। इसी के साथ मैं यहाँ पे डालूंगी 2 चम्मच भर के रेड चिली सॉस, 1 चम्मच भर के सोया सॉस, यहाँ पे हम डालेंगे 1 चम्मच भर के विनेगर। ये विनेगर भी ना गलाने के लिए काम आता है, ठीक है ना, मटन अच्छे से गल जाता है इससे भी। अब यहाँ पे मैं डालूंगी 2 बड़े चम्मच भर के शेजवान चटनी। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच भर के शेजवान चटनी डाली हूँ। हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा पाउडर, यहाँ तीखी वाली लाल मिर्ची डाल रही हूँ 1 चम्मच, 1 चम्मच डाल रही हूँ कश्मीरी वाली लाल मिर्ची, 1 चम्मच धनिया की बुकी और थोड़ी सी डालेंगे हम हल्दी। अब यहाँ पर मैंने ली हूँ काला नमक, इससे थोड़ा चटपटा अच्छा बनता है, ठीक है ना। और गरम मसाले की बुकी मैं ली हूँ 1/4 चम्मच। यहाँ पे मैं खड़े गरम मसाले और बुकी गरम मसाला थोड़ा सा कम यूज़ कर रही, क्योंकि गरम मसाला अगर मैं ज़्यादा डाल दूंगी तो इसमें चाइनीज़ का जो फ्लेवर आने वाला है वो बैठ जाएगा। गरम मसाला चाइनीज़ फ्लेवर नहीं देगा, उसको दबा देगा। इसके लिए मैंने गरम मसाले की थोड़ी सी बुकी डाली हूँ। अब हम डालेंगे इसमें फूड कलर, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं डालूंगी हमारा नमक। नमक मैं मेरे हिसाब से ले रही हूँ, आप अपने हिसाब से लेना। नमक पहले थोड़ा कम डालना क्योंकि हम ये सारे मसाले सुखा देंगे और हमारी बोटी सूखी हो जाएगी तो नमक ज़्यादा लगेगा और खारा हो जाएगा। इसके लिए नमक थोड़ा सा कम लेना क्योंकि ये पकने के बाद कम होता है। अब मैं डालूँगी थोड़ी सी कोथमीर। अब इसको मैं हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि हमारी बोटी को अच्छे से मसाला लग जाए। तो यहाँ पे मसालों को मैंने अच्छे से हाथों की मदद से मसल मसल के लगा दी हूँ बोटी में। अब मैं इसको ढक के 10 मिनट के लिए रख दूंगी साइड में। अगर आपको रखना है ये मसाला लगा के तो एक दिन पहले भी रख सकते हैं या सुबह में भी मसाला लगा के फ्रिज में रख सकते हैं शाम को बनाने के लिए। इससे आपका गैस कम खर्चा होगा और बोटी जल्दी गल जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पे नहीं रख रही हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे 10 मिनट इसको ढक के रखने वाली हूँ, ठीक है। तो चलो 10 मिनट हो गए और मैंने यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। अब हम डालेंगे इसमें तेल। तेल ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि ये पकने के बाद तेल पूरा छूट ही जाता है, कम तेल में भी ये आराम से बन जाता है। यहाँ पे तेल थोड़ा सा गर्म होने दूंगी मैं। तो यहाँ पे हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 छोटे साइज की प्याज। ज़्यादा बड़े साइज की प्याज नहीं डालना, छोटे साइज की प्याज डालेंगे काफ़ी हो जाएगा।
ठीक है। अब मैं इसको पूरा ब्राउन कलर का नहीं करूंगी, सिर्फ इसको थोड़ा पका लूंगी अच्छे से। तो यहाँ पर प्याज हमारी अच्छे से पक गई है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमने हमारा मटन रखे थे, ये ले लेंगे, इसको डालेंगे बिस्मिल्लाह। इसमें पूरा मसाला निकाल के डाल देना, मसाला जरा भी नहीं छोड़ना, ठीक है ना। मसाले से ही केस आएगा, आधा मसाला इसमें रह जाएगा तो इसमें चटपटापन कम आएगा, इसके लिए पूरा अच्छे से मसाला डालेंगे। आप लोगों के साथ शेयर करने का सोची, बहुत मस्त बनी है ये बोटी। आप जरूर एक तो बार बना के खा के देखना, बार बार बनाएंगे। अब मैं यहाँ पर एक कप भर के पानी डाल रही हूँ। आपकी मटन की बोटी के हिसाब से पानी डालना कि कितने बड़े साइज की है और कितने छोटे साइज की है, ठीक है। जितना पानी लगता है वो हिसाब से डालना। मैंने यहाँ पे जो बोटी ली हूँ उसको एक कप पानी, ये मेरा काफी होगा इसके लिए। अब मैं इसको ढक के पूरा 40 मिनट पकने दूंगी एकदम मीडियम आंच पे। पहले मैं इसको फास्ट आंच पे रखूंगी, जब बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो इसको मीडियम कर दूंगी और पूरा 40 मिनट पकने दूंगी। बीच में एक दो बार मैं इसको ढक्कन हटा के हिला लूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा 40 मिनट हो गया है हमारे मटन को पकते पकते। तो यहाँ पे अभी हम देख लेंगे, देख रहे आप लोग, मैंने मटन अच्छे से चेक कर ली हूँ, मेरा मटन एकदम अच्छे से गल गया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी मसाला है इसको हम सुखाएंगे, लेकिन ज़रा अभी मैंने गैस स्लो कर दी है। इसमें हम डालेंगे हरी प्याज, यहाँ पे हरी प्याज के बाद मैं डालूंगी लाल हरी मिर्ची। पिछले वीडियो में भी ऐसी हुआ था कुछ, हरी का लाल चिकन का मटन। अब मैं डालूंगी थोड़ी सी इसमें कोथमीर और यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। अब मैं यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी और यहाँ पे अभी गैस को फास्ट करेंगे और अच्छा भूनेंगे 5 मिनट, ताकि जो मसाला हमारे कढ़ाई में है वो मसाला हमारे बोटियों को अच्छे से चिपक जाए और बोटी बोटी अलग हो जाए। हमको सालन नहीं बनाना है, मटन मसाला नहीं बनाना है, मटन बोटी बनाना है। तो अब यहाँ पे मैं इसको पूरा 5 मिनट अच्छे से भूनूंगी। तो देख रहे आप लोग, मैंने यहाँ पे इसको इतना सुखा ली हूँ, ये बोटी बोटी हमारी अभी अलग अलग हो गई है। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं सुखाऊंगी, तेल चर चर करने लग गया है। अब ज़्यादा सुखा देंगे ना तो बोटी ना जूसी नहीं रहेगी, कड़क हो जाएगी, और हमको कड़क बोटी नहीं चाहिए, जूसी जूसी बोटी चाहिए। अगर आपको कड़क चाहिए तो आप और सुखा लेना, मुझे कड़क नहीं चाहिए। मेरी बोटी यहाँ पे रेडी हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं गैस कर लूँगी बंद और इसको सर्व कर लूँगी। तो दोस्तों तैयार हो गए यहाँ पे मटन की बोटी, वो भी एकदम चाइनीज स्टाइल में। शेजवान तो मैंने ना दबा के डाले इसमें और ये बहुत ही मस्त लगेगा सच्ची में। मेरे को चाइनीज इसको शेजवान चटनी बहुत पसंद है, तो मैं बोली चलो एक बार चाइनीज में भी इसको बोटी बना के देते। देखो नहीं, बहुत से लोगों को ना शेजवान वाली डिशेस यानी कि चाइनीज वाले फूड बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। बहुत से लोग तो हर संडे खाते भी है, जैसे कि बचपन में लोग खाते थे, ये भी खाता था, ये भी खाता था, खर्चा मिल गया तो आज जाके चाइनीज खाते हैं। खैर वैसे मेरा बोलने का मतलब ये है कि जिसको ज्यादा चाइनीज पसंद है ना, तो भाई वो इस तरीके का बना के जरूर खाना, बड़ा ही मजा, कुछ अलग फ्लेवर आपको टेस्ट करने मिलेगा, बड़ा मजा आएगा अगर आप ऐसे मतलब चाइनीज तरीके से बना के खाएंगे। जैसा मैंने चाइनीज कबाब बनाई थी यार, वो भी बहुत अलग तरीके का कबाब था। चिकन में भी बना सकते हैं चिकन चाइनीज रोटी ऐसा। तो भाई कमेंट्स करो अगर आपको चिकन में देखना है तो, क्योंकि मटन भी बहुत से लोग नहीं खाते, ये भी अलग तकलीफ है। चलो आओ बिस्मिल्लाह, हमारे इस घर में तकलीफ है। देखो पहले तो भाई कांदा, वैसे देखो ये बता रहा हूँ कि मैं हम आज सूखा खाने वाले हैं क्योंकि रोटी खत्म हो गई ना भारत से जो लाते थे। मैं देखो ये बोटी ना टेस्ट करने बैठा है, तब ये रोटी वीटी में लेगा तो क्या टेस्ट करेगा, जायका नहीं समझ पाएगा। एक बात और बताना चाहूंगा मैं, अम्मी ने ना 2 दिन पहले ही ये बनाए थे और फिर दाल चावल के साथ में खा रहा था, इतना मजा आ रहा था ना मुझे सच्ची में। ये डिश आप जरूर बनाना और दाल चावल के साथ ट्राई करना, बहुत मजा आएगा आपको। तो
ये लो मैं एकदम मसालेदार बोटी है शेजवान वाली और ऊपर से नींबू भी लगा हुआ है और ये रहा तुम्हारे हक का कांदा मेरे हक का हाँ अब मैं बता दूँ कौन सी बोटी बड़ी वाली लेता हूँ इस पे ना नींबू लगा हुआ नहीं ना ये देखो भाई पहले तो मैं इसके ऊपर ही नींबू डालूंगा ताकि पूरा मजा आए मेरे को और एक कांदा भी रखूंगा ये देख रहे आहा बिस्मिल्लाह एक नंबर शेजवान का डिश आता है इसमें गली भी इतनी अच्छी है ना माशाल्लाह हाँ सबसे मेन बात ये है कि मटन जब तक गला नहीं ना तब तक मजा नहीं आता और इसमें चाइनीज का फ्लेवर उठ के आ रहा है अगर आप गरम मसाला इसमें ऐड कर देंगे तो ये चाइनीज का जो फ्लेवर है वो दब जाएगा क्योंकि गरम मसाला खुद अपने आप में एक बिरयानी का मसाला है वो किसी को उठने नहीं देता तो गरम मसाला इसमें नहीं डालना मैंने देखो एक चुटकी भर थोड़ा सा बुक्की डाली हूँ फिर भी दिल की तसल्ली के लिए अगर खड़े गरम मसाले वगैरह डाल देंगे तो ये बैठ जाएगा चाइनीज नहीं टेस्ट देगा अभी आ रहा चाइनीज आइटम बहुत से लोग सूखा मटन भी बनाते हैं तो एक दिन ना सूखा मटन छोड़ के ये वाली डिश जरूर बनाना मैं सच में सजेस्ट करूंगा कि भाई ये डिश बनाना आपको बहुत मजा आएगा इसके लिए मैंने ना चाइनीज आइटम में मेरा मन किया बनाने का तो मैंने घर में ट्राई करी चाइनीज मसाले का पूरा डाल के लेकिन सच में इतना अच्छा लगा ना वो जगह पे चट कर गए बच्चे इतना टेस्टी था और अभी तो लोगों के ना फ्रिज में सबके ने कुछ लोगों के फ्रिज में बहुत सारा बेबी गोश्त होगा है ना हाँ तो इसके लिए मैंने ये बनाई ताकि आप लोग बना के खा सके आराम से बहुत मजे का बनेगा और कुकर में भी नहीं गलाएंगे तो भी चलेगा क्योंकि हमने इसमें पपीता डाले हैं और हाँ बहुत से लोग ऐसे हैं कि जॉब वाले हैं रात को खाना पकता है तो आप उसको सुबह को मसाला वगैरह लगा के फ्रिज में रख दो पपीता और विनीगर अपना काम पूरा कर देंगे वो पूरा गला देंगे आपके गोश्त को तो वो झटपट 15-20 मिनट में आपका गोश्त भी गल जाएगा और पक भी जाएगा फास्ट गैस पे हाँ। अभी कैसा मैंने ताबड़ तो बने तो मुझे 45 मिनट पूरा लगा गलाने के लिए और पानी सुखाने के लिए अगर आप एक रात पहले रखेंगे या सुबह सुबह बना मसाला लगा के रखेंगे तो आपका टाइम बचेगा मैं तो रात में मसाला लगा के रख देना सुबह सुबह बनाने के लिए हाँ बहुत मस्त बनेगा एक दो दिन पहले और ज्यादा अगर है आपके पास मटन तो आप ज्यादा मटन को लगा के रख दो थोड़ा थोड़ा निकाल के तो जल्दी जल्दी शेयर करो मेरे चाइनीज बोटी के कबाब बोटी मस्त मटन के है ना तो भाई वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताना वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दो जो हमारे चैनल पे नया है जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कब करोगे प्लीज 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 सब्सक्राइब करो पहली बार जो मेरा नए नए वीडियो आए हैं देखने के लिए वो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना सब्सक्राइब जरूर करना लाइक करना शेयर भी करना ठीक है और हाँ चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी करो चलते हैं मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ तब तक के इंशाल्लाह नई नई रेसिपी लाने की कोशिश करते रहूंगी आप लोगों के लिए अल्लाह हाफिज़ बस पक्का चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ तब तक के अल्लाह हाफिज़ बाय दुआ में याद रखना अपना ख्याल रखना